हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में फिर से लेकर आ गई हूँ एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। और गाइस, जैसा कि लगातार बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एग्जाम हमारे ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, या फिर इस ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में हमारी स्टडी पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो स्टडी करें ना करें, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जाएं और बेहतर तरीका क्या है पढ़ाई करने का, तो सारी की सारी चीजें वन बाय वन गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके की एनआईएस इन्फॉर्मेशन के लिए, टीएमए के सोल्यूशन के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए और साथ ही साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th क्लास में हो, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी रहती है इसी तरीके की आपका सिलेबस प्रैक्टिकल टीएमए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है गाइस, तो देखिए आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या करें एग्जाम के ऊपर, बताइए कि ऑनलाइन ऑफलाइन पोस्टपोन। इन दो तीन सवालों ने बच्चों का दिमाग खराब करके रख रखा है पूरा का पूरा, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चे रोजाना कोई ना कोई इस तरीके की न्यूज देखते हैं, वो रोजाना कोई ऐसा या तो कोई ऐसी अपडेट देखते हैं, न्यूज देखते हैं, चाहे यूट्यूब के थ्रू चाहे फिर किसी भी माध्यम से, कोई ना कोई खबर उनको डेली की डेली डिस्टर्ब करती है कि भाई एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, प्रमोट होंगे, क्या होगा। सो गाइस देखिए, सबसे पहली बात, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती बाकी लोगों की तरह। कुछ लोग इसी टॉपिक को लेकर बार बार वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और बच्चों का बहुत टाइम इसमें वेस्ट होता है। और साथ ही साथ, चलो टाइम वेस्ट तो होता ही होता है, साथ ही साथ मेंटली उन पर प्रेशर रहता है, कन्फ्यूज ही हुए रहते हैं स्टूडेंट्स के भाई हाँ किस तरीके से एग्जाम होने वाले हैं और इन तरीके की न्यूज पर किस तरीके से आपको ओवरकम करना है, इन चीजों से कैसे आपको बाहर आना है। सबसे पहला सवाल बच्चों का कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, सबसे बड़ा इशू। तो देखिए, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही एक अपलोड की थी, उसके बाद फिर हैदर सर ने भी इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड बच्चों को काफी गाइडेंस दी थी, तो उन वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर इन ऑनलाइन ऑफलाइन पोस्टपोन वाली सारी की सारी बातों को एक छोटे से और कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं, सो गाइस आप लास्ट ईयर का देख लीजिए। लास्ट ईयर जो हुआ था एनआईएस के जो स्टूडेंट्स प्रमोट हुए थे, वो हुए थे सीबीएसई के बेसिस पर। ठीक है, सीबीएसई ने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया था, तब जाकर एनआईएस बोर्ड पर भी प्रेशर पड़ा और एनआईएस बोर्ड ने भी लास्ट ईयर अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया था। तो अभी सीबीएसई का कोई भी, आप अभी जिस वक्त तक मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूं, आप जब ये शूट कर रही हूं मैं, इस वक्त तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, ना सीबीएसई अपने पोस्टपोन या फिर ऑनलाइन करने के किसी भी तरीके के मूड में है। तो सीबीएसई का ऐसा कोई मूड नहीं है। अगर सीबीएसई किसी परसेंट अपने बच्चों को प्रमोट करता है तो तुरंत आप लोग समझ जाइए कि आपके भी चांसेस प्रमोट होने के पूरे बन जाएंगे। लेकिन अगर सीबीएसई अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करता, सीबीएसई बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ भाई वो अपने बच्चों का एग्जाम लेगा ही लेगा, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से रोजाना इस तरीके की अपडेट्स आ रही है कि भाई हम प्रिकॉशंस बरतेंगे अच्छे तरीके से और COVID-19 की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको सभी को फॉलो करेंगे, तो आपके चांसेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। और आपके, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी यही बताया था गाइस आपसे कि आपके एग्जाम जो है ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होने वाले, आप लिख कर रख लो, दो ही चांसेस है, या तो आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे ही होंगे या फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रमोट होने के चांसेस भी आपके बहुत कम है। तो ये तो हुई ऑनलाइन ऑफलाइन इन सभी चीजों पर बातें। अब गाइस जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेट करके मैं इस पर्पस है मेरा वीडियो शूट करने का, वो ये है कि भी बच्चे अपनी स्टडी से भटक रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चों ने तो भी किताबें उठाकर ही नहीं देखी है कि हाँ स्टडी कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इसी टॉपिक से बच्चे बाहर नहीं आ पाते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहली बात, आप सबसे पहले इन सारी की सारी चीजों को ना एक तरफ रखिए कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन तो होंगे ही नहीं होंगे, बस इतना समझ लो। आप मान के चलो कि आपके एग्जाम होंगे जून में होंगे, डेट शीट से लेकर रिलेटेड वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिन बच्चों को डेट शीट को लेकर कोई डाउट है, तो जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपकी डेट शीट कब आएगी, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी देखिए गाइस, आपको करना क्या है, अपनी सबसे पहले किताबें उठाओ, किताबें नहीं आई हैं एनआईएस बोर्ड की तरफ से, कोविड के चक्कर में आपको बुक्स नहीं मिली हैं, तो बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप अपनी बुक डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां से आपको अपनी बुक्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। अगर बुक्स के थ्रू आप नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि एनआईएस बोर्ड की जो बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है और उनमें डायरेक्टली आंसर तो मिलते नहीं है, खाली चैप्टर्स होते हैं, तो उसके लिए गाइस आप अपनी गाइड परचेस कर सकते हैं। तो आप टॉप की, नीरज की, या फिर जो भी आप ऑल इज वाला भी, नहीं नहीं ये भी आई है, तो किसी भी गाइड को आप परचेस कर सकते हैं। तो उससे आप अपनी स्टडी शुरू करिए, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले गाइस आप अपनी स्टडी शुरू करिए, क्योंकि आप देखिए डे बाय डे आप इस तरीके की खबरों में ही रह जाएंगे बस कि भाई हाँ आज ऑनलाइन की खबर आ रही है, आज ऑफलाइन की, आज पोस्टपोन की खबर आ रही है, तो इतना खुश होकर आपको नहीं बैठना अभी कि भाई हाँ हम तो ऐसे ही बिना कुछ करे धरे ही पास हो जाएंगे या फिर हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। चांसेस हैं कुछ चीजों के, वो बहुत कम
कम है प्रमोट होने के ऐसा कुछ के, आप फटाफट से अपनी स्टडी को आज से क्या अभी से जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो फटाफट से आप अपनी स्टडी पर लग जाइए, मेहनत से अपनी पढ़ाई शुरू करिए, अपना स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है। और बात करूंगा कि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, आपको अपना बुक्स नहीं है आपके पास, आपको कुछ नहीं पता, बस आपको अपने सब्जेक्ट्स पता है कि भाई हाँ ये पांच या फिर ये छह सब्जेक्ट्स हमने ले रखे हैं, कुछ बच्चे सेवन सब्जेक्ट भी लेते हैं, कि बस सब्जेक्ट पता है, ये नहीं पता कि उनकी स्टडी कैसे करें। सो गाइज उसके लिए आप जो है हमारे चैनल पर स्पेशली देखिए, हमारे चैनल पर कम से कम तीन से चार वीडियो हम स्टडी रिलेटेड डेली अपलोड करते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि डेली इन्फॉर्मेशन दे, वो भी उल्टी सीधी कुछ भी इन्फॉर्मेशन डेली के डेली आपके लिए अपलोड कर दे, इन्फॉर्मेशन तब देते हैं जब वाकई में उसकी जरूरत होती है और वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी ऐसी खबर तब आपके लिए लेकर आते हैं जब वो जेन्युइन होती है, ऑफिशियल होती है, ठीक है। तो स्टडी पर हमारा एनएस वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फोकस है। 10th और 12th क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग करा रहे हैं, लाइक आपका हिंदी इंग्लिश है, सारे सिलेबस आपके कंप्लीट ही करा दिए हैं लगभग हमने। साथ ही आपके जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको समझाए जा रहे हैं, सीरीज चल रही है पूरी, चैनल की अलग अलग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन पर जाइए, फटाफट से आप अपने जो है सिलेबस स्टडी को शुरू करिए, अपने स्टडी को शुरू करिए। सबसे पहले ये देखिए आपके पेपर आएगा कैसे। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मेरे पास कि मैम हमें सिलेबस बता दो, हमारा सिलेबस क्या है। अब देखिए आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं गाइस, इसका कोई मैं पर्टिकुलर एक आंसर आपको नहीं दे सकती कि भाई सिलेबस क्या है। मान लो आपने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, दूसरे बच्चों ने दूसरे सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो आपका और उनका सिलेबस तो डिफरेंट है। सिलेबस जानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कोई भी सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ रहे हैं, पेपर कितने नंबर का है, कितना उसमें थ्योरी है, कितना प्रैक्टिकल है, तो उससे आपको आपका सिलेबस पता चल जाएगा, क्वेश्चंस के आपको पता चल जाएंगे, दो नंबर के क्वेश्चन है, चार नंबर के क्वेश्चन है, या फिर टिप्पणी लिखने को आ रही है, एमसीक्यूज करने को आ रहे हैं। तो सिलेबस जानने का तो सिंपल गाइस आपका यही तरीका है। हर एक पेपर को 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी जितने भी गाइस आप लोगों के पेपर है वो मैं सभी समझा चुकी हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th NIOS सैंपल क्वेश्चन पेपर के नाम से और 12th NIOS सैंपल क्वेश्चन पेपर के नाम से। उन प्लेलिस्ट को चेक करिए, आप देखिए सीरियल वाइज बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जहां पर बाकायदा आपको समझाया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कैसा आएगा। जब आप पेपर देख लेंगे तो 100% आपको अपने क्वेश्चंस के आइडिया हो जाएंगे। मान लो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है, मान लो आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, जब पेपर समझते हो ना क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। फिर साथ ही साथ आप उस चैप्टर्स की सीरीज को फॉलो करिए अगर आपके पास टाइम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अलग से चला रखी है, जिन सब्जेक्ट हम पूरा सिलेबस नहीं करवा पा रहे हैं उनके अलग से हम 2 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, उनसे अपनी स्टडी जारी रखिए। हमारा फोकस खाली इतना नहीं है कि डेली आपको कोई भी यू नो ऐसे ही फेक न्यूज सुना दिया करके और स्टडी सर आपको भटका दिया। हमारा मेन फोकस होता है कि आपकी स्टडी पर हम ज्यादा मेहनत करें ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स जो है, क्योंकि आपको पता है गाइस कि एनएस वाले जो बच्चे होते हैं उनको ठीक से ना तो बुक्स मिलती है, ना उनको ठीक से कोई गाइडेंस करने वाला होता है, ना वो रेगुलर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं होता हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जाएं। सो पूरे लेक्चर्स इसलिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, फटाफट से आप उनका फायदा उठाइए, सारी की सारी सीरीज आपके लिए चल रही है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप अभी इस वक्त से ही आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए, ये डिसाइड किया एकदम रेजोल्यूट हो जाइए कि भाई हाँ हमें अपनी स्टडी आज से क्या अभी से शुरू करनी है। अपनी स्टडी प्लान आप बनाइए कि दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको कितना टाइम देना है और एक दिन में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर किसी बच्चे को अपना स्टडी प्लान जानना है तो आप मुझे कॉमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली मेक योर स्टडी प्लान फॉर यू ऑल्सो, कि आप अपना स्टडी प्लान किस तरीके से बना सकते हैं, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उस तरीके से आप अपनी स्टडी को आगे लेकर के जाइए, ना कि डेली की डेली ये खबरों में उलझे रहिए, ठीक है। देखिए अच्छी बात है, अपडेट आपको मिलती रहेंगी, इसी तरीके की अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना केवल आपको यहाँ हम आपका सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन भी राइट टाइम पर आपको दे देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ गाइज मैंने आपको कई सारी वीडियोस में ये चीज भी बताई है, आपके साथ मेंशन की है कि अगर एनआईएस बोर्ड में आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉपर बनना है, तो लास्ट 5 ईयर अगर पॉसिबल ना हो तो लास्ट कम से कम 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो जो भी आपका सब्जेक्ट है और उनको रट्टा मार लो, कम से कम उनको ऐसा समझ लो बिल्कुल एकदम घोल के पी जाओ, आपके जो 3 साल या फिर 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है हर एक सब्जेक्ट के, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, कम से कम आप 90% स्कोर करने वाले हो, क्योंकि एनआईएस बोर्ड अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिपीट करता है। तो बहुत सारी वीडियो में पहले ही ये बात मैं बोल चुकी हूँ कि गाइस आप कुछ मत करिए, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कुछ, पहले पेपर का पैटर्न देख लो पेपर कैसा आएगा, और उसके बाद आप लास्ट प्रीवियस ईयर के 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के उनकी प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर के बच्चों के भी बहुत मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम सोल
हुए भी नहीं मिलते हमें, मतलब अनसॉल्व तो मिल जाते हैं बट अनसॉल्व का क्या करें, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए उनका। सो गाइस हमारे चैनल पर आपको सॉल्व सीरीज भी हमने शुरू कर दिया, पेपर पूरा जो 3 घंटे का आपका पेपर होता है ना उसमें कई कई सारे सेक्शन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, ये वो सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्व पेपर हम आपके लिए सॉल्व कर करके ला रहे हैं, हैंड रिटन आपको मिलेंगे, काम चल रहा है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, कई सारे टीचर्स आपके लिए पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो वन बाय वन आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के इसी तरीके से सॉल्व पेपर मिलेंगे, हैंड रिटन होंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, उनकी PDF आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ना है अच्छे से, उसको तैयार करना है, ठीक है। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब कभी भी कोई भी हम सॉल्व पेपर डालें, जब कभी भी आपके TA में हम आपकी TA में तो हमने लगभग सारे ही सॉल्व करके आपको दे दिए हैं, साथ ही अभी जिन बच्चों के प्रैक्टिकल की परेशानी चल रही है कि मैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का रह रहा है, हमारी फाइल नहीं बनी है, तो उन फाइल पर भी काम चल रहा है, हैंड रिटन है और कुछ सब्जेक्ट के हमने अपलोड कर भी दिए हैं। तो इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियोस पाने के लिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ना ऑल वाले नोटिफिकेशन कौन कर लेना, ताकि आपको एकदम से तुरंत अपडेट मिल जाए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई हाँ अब आपका सॉल्व पेपर आ गया है और अब आपका प्रैक्टिकल सॉल्व आ गया है या फिर अब आपकी कोई जेन्युइन अपडेट आपको मिली है NICE बोर्ड की तरफ से। तो इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप सबसे पहले अपनी स्टडी पर फोकस करिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना जाएं। आपके एग्जाम या तो ऑफलाइन होंगे या फिर आपको जो है वो बहुत कम चांसेस है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। आप मान के चलो आपके एग्जाम होने ही होने हैं जून के अंदर, ठीक है, हो सकता है थोड़ा आगे खिसक जाए बट जून में आप मान के चलो गाइस कि आपके पेपर होने ही होने हैं, इसलिए स्टडी पर टूट पड़ो, हमला कर दो अपना, आप टाइम टेबल बनाओ बैठ के और डेली आप स्टडी करो जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। गाइस इसके अलावा हम अभी एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस अभी कल हैदर सर ने इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड आपसे मतलब राय भी मांगी थी इस मुद्दे से कि भाई जो NICE टॉपर्स होते हैं जो 80-90 प्लस ला रहे हैं बच्चे, तो उनका इंटरव्यू की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, जो जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने वाकई में अच्छा स्कोर किया है NICE बोर्ड से, उनकी क्या जर्नी रही है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है अपनी तैयारी को लेकर, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की है, तो इंटरव्यू शूट हो रहे हैं और आपका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां से देखने को मिला। सभी बच्चों ने यही बोला कि सर प्लीज जल्दी स्टार्ट कर दो, मैम जल्दी स्टार्ट कर दो इस इंटरव्यू की सीरीज को, ठीक है चला गया, तो जल्दी स्टार्ट कर दो इस इंटरव्यू की सीरीज को। तो इंटरव्यू आपके लिए ला रहे हैं, बहुत आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, बिलीव मी बच्चों को जब आप जेन्युइन बच्चों को देखेंगे कि हाँ उनकी क्या जर्नी रही है, किस तरीके से उन्होंने पेपर दिया है, कैसे अच्छा स्कोर किया है, किन हालातों से गुजर कर वो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर पाए और आप कौन कौन सी चीजों को वहां से फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें A to Z आपको उन NICE टॉपर्स के इंटरव्यू से सीखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। तो फटाफट से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पेपर का सोल्यूशन भी मिलता रहे, NICE इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, TMA और प्रैक्टिकल के सोल्यूशन भी आपको मिलते रहे और आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग करा रहे हैं उनकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपकी घर बैठे आराम से हो जाए, बिना बाहर जाए, बिना कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए, ठीक है, बाहर ज्यादा जाना भी मत, अभी कोरोना के केसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो गाइस बस यही कहना था कि आप अच्छी बात है अपडेट रहिए आप हर चीज से, लेकिन अपनी स्टडी से बिल्कुल फोकस नहीं हटाना है, स्टडी से बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है, पढ़ाई को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। स्टडी प्लान में जल्दी लेकर आऊंगी अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, ठीक है। सो गाइज इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियो के लिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए गाइज कमेंट करके मुझे बताना कहीं कोई अभी कोई डाउट रह गया हो, कोई आपका सजेशन हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।